उसके बारे में बताने जा रही हूँ जिससे हमारी बॉडी शेप में नहीं आती और वेट गेन होने लगता है। इंडियन बेड हैबिट नंबर है 1, चाय। चाय के साथ हम अक्सर देखते हैं रोटी, या कभी हम ब्रेड सैंडविच, या कभी हम समोसा कचौड़ी, ये सब खाते हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। चाय के साथ हमें हमेशा लाइट थिंग्स खानी चाहिए, जैसे एलिमेंट्स ले लिए आपने भिगे हुए, या अखरोट की गिरी ले ली, या फिर हमने बिस्किट्स खा लिए जैसे मैक्रोडीज, डाइजेस्टिव, न्यूट्रीलाइट के। इंडियन बेड हैबिट नंबर 2, अचार। आपने हमेशा सुना होगा अचार, दादी का अचार, मम्मी का अचार, यम्मी अचार, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अचारों के अंदर सोडियम कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसकी जगह हमें रोटी के साथ रॉ ऑनियन या फिर मिर्ची खा सकते हैं जिससे वेट लॉस भी होता है और बॉडी शेप में भी आती है। इंडियन बेड हैबिट नंबर 3, लिक्विड एंड सॉलिड टुगेदर। आपने हमेशा खाने के साथ देखा होगा, ये सोचते होंगे कि हम पानी भी साथ में पी लें ताकि हमारा खाना जल्दी से नीचे उतर जाए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम खाने के साथ पानी लेते हैं तो खाना जो होता है कोई भी खाना एंटर करने में टाइम लगाता है, लेकिन अगर पानी ले लेते हैं तो जल्दी से उतर जाता है नीचे, जबकि हमें उसकी खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाती उतनी जितनी मिलनी चाहिए और खाना पूरी तरह से डाइजेशन नहीं होता, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमें खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। कोई भी आप लिक्विड फॉर्म पिए जैसे पेप्सी, लस्सी, बटर मिल्क, कुछ भी, जब भी हम लें खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा के बाद। इंडियन बेड हैबिट नंबर 4, रॉ एंड कुक्ड, यानी कि सलाद, फ्रूट्स। आपने देखा होगा इंडियंस लोग ज़्यादातर अपने मील्स के अंदर सैलेड को भी अपने खाने के साथ इंक्लूड करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। खाने के साथ कभी भी सैलेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रॉ फूड जो होता है खाने के से पहले ही वो डाइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको सैलेड लेना है या फ्रूट लेना है तो खाना खाने के आधा घंटा पहले या खाना के आधे घंटे के बाद। कभी भी खाने के साथ हमें रॉ थिंग्स नहीं लेनी चाहिए। इंडियन बेड हैबिट नंबर 5, मेंटल ब्लॉक के बारे में, यानी कि ये वो हैबिट है जब हम किसी के भी घर में जाते हैं तो हमें जो भी वो सर्व करते हैं हम वही ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमें वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो इसके मान्यता से जो आप कहेंगे वो वही आपको सर्व करेंगे, तो हमें शर्म क्यों आती है किसी भी घर में ये बताने में कि मैं हेल्दी खाता हूँ, मैं फिट रहता हूँ।